हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ आप लोगों को झारखंड कंबाइंड को लेकर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ है कि झारखंड कंबाइंड एग्जाम कब होगा। बहुत सारा अभी देखिए एग्जाम में जितना देरी हो रहा है उतना ही सस्पेंस बढ़ते जा रहा है, उतना ही समस्या आ रहा है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, या एग्जाम का डेट कब होगा, नवम्बर दिसंबर या जनवरी तक जाएगा। तो देखिए सारा बात का मैं एक बात कहूंगा कि एग्जाम डेफिनेटली एग्जाम होगी, ठीक है, बट अभी एक केस सामने आ रहा है। आप लोगों को एक बात पता चल रही होगी कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग 15 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, जो भी अभी बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल को देखा है उसमें आपको कहा जा रहा है कि 15 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है, 15 नवंबर को एग्जाम हो ही नहीं सकता है। रीजन है कि आज 2 तारीख हो गए हैं, 3 तारीख हो गया है, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी फॉर्म का कोई भी अभी न्यूज नहीं आया है। ठीक है, तो अगर कितना भी अगर ये करते हैं तब भी ये 15 तारीख तक एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। अप्रोक्स 20 नवंबर तक हो सकता है कि आपका 20 या 25 नवंबर तक हो सकता है कि एग्जाम हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था, मेन रीजन जो मैंने बताया था जब मैंने बात किया था झारखंड का माइंड से, तो उन्होंने कहा था कि टीचर का कुछ इशू चल रहा है अभी, उस वजह से अभी हम लोग एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। ठीक है, बट अगर 5 या 6 तक अगर यहाँ पर फॉर्म नहीं आती है तो मैं एक बार काउंसिल जाऊंगा, वहां पर बात करूंगा कि आखिर क्या इशू है, और बिल्कुल जो भी वहां बात होगा वो आप लोग सामने होगा, वो आप लोग सुन पाओगे कि क्या बात हुआ है वहां पे। ठीक है, तो वो सब करने की कोशिश करूंगा, मगर यहाँ पर सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं कि एग्जाम 15 नवंबर को नहीं हो रहा है। ठीक है, बट प्रिपरेशन जारी रखना है क्योंकि अभी एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात, पैरामेडिकल का भी काउंसलिंग अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, आपको वहां पर ऑप्शन तो दिख रहा है बट अभी चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें जो डेट दिखा रहा है उस हिसाब से अभी उसका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का सेकेंड काउंसलिंग का जो अभी है वो लिस्ट नहीं आया है, फर्स्ट काउंसलिंग का लिस्ट आ गया है, सेकेंड काउंसलिंग का लिस्ट नहीं आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पैरामेडिकल का भी अभी आप लोग के पास काउंसलिंग के लिए लेटर आया हुआ है बट अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है उसका। ठीक है, तो फेस्टिवल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब जरूरी है कि आप लोग का फॉर्म जल्दी ही आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, फॉर्म आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का फॉर्म आएगा और होगा ही, बट ये चीज याद रखिएगा कि इस बार डिले हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से कोई भी एग्जाम में बिल्कुल डिले नहीं होगा। नीट अपने समय पे होगा, जेई अपने समय पे होगा, और साथ ही साथ जो आपका एग्जाम होता था झारखंड कंबाइंड का जून जुलाई अगस्त के बाद, तो उससे पहले आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। ये सब बिल्कुल आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एग्जाम होगी बट 15 तारीख को नहीं होगा। जो भी न्यूज आप लोग को मिल रहा है तो 15 तारीख को नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग देखिए, मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से, देखिए जो जनरल है, जो जेन्युइन बात है उस पर आप लोग भरोसा रखिए, क्योंकि जेन्युइन ही फैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगा कि कल भाई कल एग्जाम होना है, आप लोग का 8 तारीख को एग्जाम होना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज है मैंने वो बताया। ठीक है, बट एग्जाम में समय आपके पास कम है, अब जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप एक बार टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, सर ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन बनाना है, एआर आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई हुई है जिसका कॉस्ट ओनली 299 है, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, पैरामेडिकल के लिए, एएनएम जीएनएम एग्रीकल्चर के लिए, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के लिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है, आप खुद ही ग्रुप में देख सकते हो। ठीक है, और मैं देखिए बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जिसमें आपको नोट्स वगैरह के लिए या फिर गाइडेंस के लिए भी अलग से चार्जेस वगैरह हैं, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए फुल्ली फ्री है, मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। 3 साल से मुझे एक्सपीरियंस है झारखंड कंबाइंड की तैयारी करवाने के लिए, और मेरे साथ जो भी टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल झारखंड कंबाइंड क्रैक कर चुके हैं, यही है कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया बट बिल्कुल और बिल्कुल उन्होंने क्रैक किया हुआ है, अभी वो अच्छे कॉलेजेस में है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल भरोसा रखिए एआर पे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर जो भी देखिएगा तो एक्सपेक्टेशन जो भी मैंने बताया है आप लोगों को वो बिल्कुल हमेशा सही हुआ है, सटीक हुआ है, तो भरोसा रखिए, ये भरोसा टूटेगा नहीं, और बिल्कुल आपका जो हमारा चैनल है वो आपके साथ है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी अपडेट्स आएगा मैं आप लोग से शेयर करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, धन्यवाद।